फतेहपुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि अपने पारिवारिक विवाद के एक मामले में थरियाव थाना प्रभारी को विवाद सुलझाने की तहरीर दी थी। बातचीत के दौरान आशू सिंह ने थाना प्रभारी से किसी से फोन पर बात करा दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मुझे गाली गलौज करते हुए थाने से भगा दिया। वहीं थाना प्रभारी पर आरोप हुए बताया कि जान से मारने की धमकी भी दी गई है। थाना प्रभारी पर कार्यवाही के लिए एसपी को लिखित शिकायत पत्र दिया है। जी बताएं क्या मामला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष फतेहपुर, मैं कल थाने गया, पारिवारिक मामला था। उसमें माननीय थाना जज जी महोदय से बात हुई और उनके पास मेरे भाई और बाप ने फोन करवाए थे और मुझको किसी का फोन उनका नेता का आया थाना जज महोदय के पास, अजीव कुमार सिंह के पास, और मुझको बोलने लगे कि तुमको साले जूतों से मार के अंदर कर दूंगा। जबकि मैं उनको पूरा परिचय बताया तो बोला नेता सेताओं को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मतलब थाने जाने के बाद मेरा जब ये हाल हो सकता है तो जनता की सेवा कैसे करेंगे वो। तो इसकी शिकायत आपने, मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच सीओ साहब करेंगे। क्या मामला है, आप एसपी साहब समक्ष किस लिए आए हैं? यहाँ पर उपस्थित हम सभी लोग माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। कोरोना काल को देखते हुए संख्या में हम लोग कम है यहाँ पर उपस्थित है, ताकि किसी को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। विषय यह है कि कल किसी पारिवारिक विषय को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माननीय जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी थाना थरियाव जाते हैं। थाना थरियाव में अपना विषय बड़ी विनम्रतापूर्वक ये रखते हैं। तत्पश्चात इनके विपक्षी पक्ष के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी जानकारी हमें नहीं है, उनको थाना इंचार्ज से बात कराई जाती है। थाना इंचार्ज उससे बात करने के बाद सीधा बिना कुछ कहे समझे गाली गलौज माँ बहन की गाली देना शुरू कर देता है जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी को जब इस प्रकार की कहानी समझ में आती है तो ये अपना संगठन का परिचय भी देते हैं कि भाई साहब मैं कोई सड़क छाप गुंडा मवाली नहीं हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष। विश्व के 22 देशों में संचालित यह संगठन जिला स्तर ब्लॉक स्तर की कोई कमेटी नहीं। तो इतना कहने के बावजूद भी उसने क्या कहा, आग बबूला हो गया और उन्होंने कहा यह थाना मेरा है, इसके अंदर मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। यदि आप मेरा कहना नहीं मानते तो मैं आपको किसी भी मामले में किसी भी केस के अंतर्गत, यहां तक कि उन्होंने यहां तक कहा इसका साक्ष्य नहीं है हमारे पास, इस वजह से मैं इसको प्रूव नहीं करता, उन्होंने तो यहां तक कहा कि गांजा लगा के तुम्हें अंदर कर, और इनसे कहा मैं जानता हूं तो कितना बड़ा नेता है, यहां से चला जाने लात घूसों से मार के तुरंत अंदर कर दूंगा। तो मेरा कहने का शासन प्रशासन से सिर्फ इतना मंतव्य है कि क्या थाना चौकी जाने के लिए सत्ता दल का नेता होना अनिवार्य है? थाना चौकी कोतवाली क्या किसी सत्ता पक्ष की दुकानें हो गई हैं? इनको आम आदमी की बात सुनने का कोई एहसास नहीं है। और फिर जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ जो व्यक्ति इस प्रकार की अभद्रता कर सकता है वह आम व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार प्रस्तुत करता है? क्या आश्वासन मिला यहाँ आपको? आश्वासन यह मिला कि माननीय अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहलवाया गया कि सीओ की जांच कराई जाएगी, सीओ लेवल के अधिकारी की, उसके बाद कुछ न कुछ निष्कर्ष निकला जाएगा। इसी बात से अस्वस्थ होकर हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद अब क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम मोहन तिवारी, जिला महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद।